नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रैना सिंह और अभी हम लोग बाजार समिति में हैं। आरा के बाजार समिति से जानेंगे आरा में अब की बार मेयर जो है, नगर निगम का चुनाव जो है वो कैसा है और लोगों को कितना पता है आखिर नगर निगम चुनाव में कौन मेयर प्रत्याशी जो है वो लीड कर रही है, किसके और झुकाव है आरा वासियों का। चलिए बात करते हैं आरा के लोगों से। आइए, जगदो नगर में क्या माहौल है आरा का? अब आरा का हमको कुछ पता नहीं। चुनाव का पता है? क्या तारीख? 28 का है पता। 28 दिसंबर। क्या वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं लोग अभी? हमको नहीं। अच्छा, मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए कि जाति धर्म होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? कुछ भी हो, अब सब अपना अपना लेकर होता है। चले आइए बात करते। क्या नाम है भाई? सोनू। कहाँ घर पड़ी? एनआईट। एनआईट क्या माहौल बा? नियम चुनाव, मेयर प्रत्याशी, उप मेयर प्रत्याशी, दो चार को नाम बताओ जो उनकी चर्चा में चलत हो। के चलत चौधरी। विजय चौधरी। और अरे विजय चौधरी मेल का तो सीटें नहीं के, फीमेल के नुआ। उनकर वाइफ के क्या नाम है बताओ? प्रियंका देवी। और आगे बताओ। बड़ा मैंने संजय सिन्हा भांका, संजय मां से। तो चले देखे, कुछ लोग और भी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? सर थोड़ा साइड दीजिएगा। क्या नाम हुआ बताइए। रघुवंश मणि। हाँ बोलिए बोलिए। रघुवंश मणि नाम है। क्या माहौल है? क्या चीज का? आरा नगर निगम चुनाव मेयर प्रत्याशी कौन? अरे इसका कोई अभी कोई अथी नहीं। दो तीन को नाम बताइए जो नाम में चल रहा है। अभी आंकड़ा अभी कुछ नहीं है, सब हवा में लोग है। सब प्रत्याशी कह रहे हैं अपने आप को कि हम जीत रहे हैं। कोई किसी का एजेंडा नहीं है बढ़िया। एजेंडा होगा जिस पर जनता आरा की चाहेगी वो मेयर बनेंगे। मतलब अभी आपके ऊपर माहौल नहीं है? ठीक। क्या नाम है? मशगूल आलम। कौन माहौल में क्या लग रहा है? कौन आ गए? दो तीन नाम बताइए। अभी तो कुछ माहौल पते नहीं चल। चुनाव कब है पता है? हाँ पता है। क्या तारीख? 28 तारीख। क्या नाम है भाई? ज्योति प्रकाश मेरा नाम हुआ। क्या माहौल है अभी आरा का? कौन सा माहौल? तो अभी सबसे आगे में हकीम प्रसाद नीलम देवी चल रही है, 7 नंबर है उनका। प्रचारे कर दीजिए यहाँ पे, कहिए बताइए आप, आपके क्या लग रहा है? कार्यकर्ता और कहता है ना कार्यकर्ता नहीं है। जो शहर का माहौल देखा जा रहा है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि सबसे अधिक मैंने अभी तक रेस में जो है प्रत्याशी वो हकीम प्रसाद की औरत सिलाई मशीन नीलम देवी है। हाई कह रहे हैं कि कोई है नहीं है। है उनके बात का समर्थन हम कर रहे हैं भाई। अभी अभी तो बोले कि अभी कोई नामे नहीं पता है। नहीं नहीं, उनके बात का हम समर्थन कर रहे हैं। बोल के बोलिए ना कि इनका समर्थन कर रहे हैं। डरा का डर डर नहीं। हाँ जी हाँ, खोल के बोलिए। नहीं नहीं, डरना नहीं है। डरने वाले कहाँ है? हाँ उनका नाम बतलाइए। सिलाई मशीन आगे है तो अभी हम लोग के नजर में सिलाई मशीन आगे आज तक आज। चलिए और लोग से बात। क्या नाम है? अयोध्या सिंह। अयोध्या सिंह। कहाँ घर पड़ेगा? जगदेव नगर आ रहा। क्या माहौल? ठीक है, हकीम प्रसाद का माहौल अच्छा है। अभी हम लोग इस क्षेत्र में देख रहे हैं हकीम प्रसाद। हाँ, उनकी वाइफ का क्या नाम है? उनकी सिलाई मशीन जो है उन्हीं का नाम क्या है? क्या नाम है उनकी वाइफ का? क्या नाम है? नीलम। बताइए, ये ऐसा कीजिएगा, बताइए, यही गलत बात है। वहाँ वोट मारने जाइएगा ईवीएम में, नमे भुला जाइएगा हकीम प्रसाद को ना। नीलम देवी, नीलम देवी। ये बहुत कुछ होने वाला है इस बार आरा में। ऐसा ऐसा आरा में बहुत कुछ होने वाला है। चले कुछ लड़की है उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? बताइए नाम। संध्या। आरा में घर है? कहाँ घर हुआ आरा में? यहीं पे हनुमान नगर में रहते हैं। आरा में मेयर का चुनाव है ये बात पता है? पता है, आरा में रहते तो पता क्यों नहीं रहेगा। बहुत लड़कियों को नहीं पता इसीलिए पहले पूछ ले रहे हैं। पता है, पता है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कौन इस बार रेस में आगे है? क्या कोई एक दो नाम, दो तीन नाम मेयर में? नाम तो हम बहुत सारे देखे। मेरे घर के बगली में कितनी औरत लोग खड़ी है। जैसे मैं ऑप्शन बता, जैसे मैं एक है वहाँ पुष्पा देवी, वो जस्ट मेरे घर के बगल में ही रहती है। पुष्पा देवी तो नवादा ना? हाँ, लेकिन वो मतलब इधर से थोड़ा रिलेशन है घर के आइट साइड से, तो हमेशा आते जाती रहती है इसलिए उनको जानते हैं। पुष्पा कुशवाहा। हाँ, और भी देखे थे दो तीन, कोई शिव कुमारी देवी और पता नहीं कोई कोई है। हम अब उतना हम पता नहीं रखते हैं, लेकिन हम बस जानते हैं कि हाँ हो रहा है। अब जो भी जीते उससे हमको क्या है, बस जो भी जीते जीते उससे आपको कुछ नहीं, मतलब अब जो
विकास आरा का निगम का विकास उन्हीं पे टिका हुआ है, आप बोल रहे कुछ भी नहीं। जो भी जीते अच्छे से करे तब तो पता चलेगा ना कि हाँ, मतलब जो लोग अभी जितना बोल रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, जीतने के बाद भी उतना ही करे तब न, वरना ऐसे तो अभी तो हम भी बोल देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, जीतने के बाद अगर हम वो चीज करते हैं तब हम उस चीज के लायक है ना। आम नागरिक आरा का होने के कारण क्या होना चाहिए एजेंडा, मतलब क्या क्या कमी लगती है, क्या होना चाहिए? लगता है सबसे पहले यहाँ गर्ल्स को लेके कोई प्रोटेक्शन नहीं है। देखो सुनो आप लोग सुनो, कुछ भी नहीं है। मतलब उसी दिन मैं वहाँ से, जब मैं वहाँ रमना मैदान से जब मैं घर आ रही थी, उस दिन ऑटो का स्ट्राइक था, मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, तब एक बंदे ने मुझे बोला चलो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, और मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। तो उस टाइम पे कोई ऐसा वहाँ होना चाहिए, फिर कुछ भी उस टाइप का होना चाहिए ना जिससे मैं कह सकूँ कि हाँ मुझे इससे हल्का प्रॉब्लम लग रहा है, फिर कुछ भी। लेकिन उस टाइप का ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। हेल्पलाइन जो है वो रखना चाहिए निगम को या आरा के जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको, ताकि लड़कियां जो हैं अगर अनसेफ महसूस करती हैं तो वो कर। लेकिन 112 कॉल है, 112 पर कॉल कर सकती थी आप। हाँ, लेकिन उस टाइम उतना दिमाग कहाँ काम करता है, अब उधर कोई भी रहता तो शायद हो जाता। तो भाई क्या, और क्या रोड उड ठीक है, दिखाई देता है? स्कूटी चलाने जाओ तो लगता है गिर जाएंगे, इसलिए तो घर चलाती हुआ। हाँ, लेकिन हम लेके निकलते नहीं है घर से, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं जाओगे तो इतना भीड़ है। एक तो यहाँ पे मतलब एक ही रोड है, उसी साइड से आना भी है और जाना भी है, होना चाहिए। ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया है, और यहाँ का रोड भी मतलब हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और गली का क्या स्थिति है? गली में भी हर जगह गड्ढे हैं, लोग अपने घर के आगे भरवा लेते हैं, बस हो गया, बाकी किसी को दिखाई देता नहीं है। अब कचरा डंप जो होता है वो आता है लोग, वो करता है लोग? हाँ, वो लोग आता है, वो लोग जिसका जो ड्यूटी है वो अपना निभा रहा है, अब सही से निभा रहा है, कैसे निभा रहा है वो लोग जाने, जैसा मेरे को लगता है मैंने बता दिया। तो देखिए बढ़िया ये बोली है, और बहुत कम, क्या नाम बोला आपने? संध्या। कहाँ घर? यही हनुमान नगर में रहती हूँ। हनुमान नगर में ये संध्या जी रहती है, और इन्होंने जो बताया, कहाँ घर है भाई? चंदवा। अरे खुल के बताओ, लड़की तुम्हारे बगल में बता भाई, कहाँ घर है? चंदवा। हाँ, क्या लगता है क्या माहौल है? हम दो लाइन आपको बोलेंगे जी। टूटी हुई रोड, बहती हुई नाली, वाह, तो कहीं खेत सूखा है, यहाँ विकास का बात कौन करता है साहब, लोग उम्मीदवार तो बस वोट का भूखा है। क्या बात है भैया, ये युवा जो आरा को परिवर्तन करेंगे, ऐसे युवा जो है वो आरा को जगाएंगे, और आरा में जो अभी चुनावी माहौल में लोगों को पता ही नहीं है कि चुनाव कब है, ऐसे लोग जो है वो इनकरेज करेंगे आरा के वोटर। आरा में क्या माहौल, आरा में क्या माहौल है? माहौल का पता नहीं है, सबका अपना माहौल है, जिसके पास जाइएगा वही माहौल बना के बैठा हुआ है। माहौल तो बनाने से बनता है, फिर भी चले जाइए वैसा माहौल। विकास उकास अभी तक विकास हुआ आरा में? मतलब तर्ज कौन सा होगा, किस लेवल में? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सेंट्रल लेवल का डेवलपमेंट, स्टेट लेवल का डेवलपमेंट। नगर निगम की बात हो रही है ना, नगर निगम का चुनाव है अभी, मेयर का चुनाव। नगर निगम में देखिए, अपने घर के आगे नाली और रोड बन गया तो विकास हुआ है, नहीं बना है तो विकास नहीं हुआ है। बना है कि नहीं आपके पास? मेरे पास तो बहुत पहले से बना हुआ है। तो बहुत पहले विकास हो चुका है, इसका मतलब कहने का मतलब ये। क्या ना, ठीक है, मैं चुनाव के बारे में बात करना है, नगर निगम चुनाव के बारे में थोड़ा सा बात करिए। मेयर प्रत्याशी लोग महिला हैं, आप लोग नहीं जागरूक होइएगा तो कौन होगा बताइए? ठीक है, ठीक है, नहीं, चुनाव पता है कब है? नहीं बताइए। हद है भैया, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम मेयर को जो है महिला प्रत्याशी लेके आ रहे हैं, लेकिन महिला का जागरूकता देख लीजिए, महिला जो है वो जागरूक ही नहीं है। यही तो दिक्कत है आरा का विकास में, यही तो कमी है आरा के विकास में कि लोग जो है वो जागरूक नहीं होते। कहाँ घर है आपका? यहीं पर है, आरा में ही। मेयर चुनाव होने वाला है पता है? आगे पूछिए, हम लोग को पता नहीं है, सर्वे चल रहा है भाई। आगे पूछ लीजिए, आगे देखिए विकास। ये लोग जो है कहेंगे कि आरा में विकास नहीं हुआ, लेकिन आरा को से विकास से लोगों को मतलब ही नहीं है, यही स्थिति है आरा के लोगों की। देख लीजिए, चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए। ये सर्वे हम जो दिखा रहे हैं आरा के लोगों को दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, आरा के लोगों को खुद मतलब नहीं है आरा के विकास से और आरा के नगर निगम के विकास से। भैया क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम पड़ेगी? नियाज। क्या माहौल बा भैया, का निगम के माहौल का बा? हम लोग, हमारा तो घर भागलपुर है। अच्छा, टाउन में नहीं है? आरा टाउन में नहीं है? नहीं। अच्छा चलिए, और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम हुआ? सब लोग पान खा रहे, बनारस पान का मशहूर है, लेकिन ये आरा में हो गया। बनारस से आए हैं भैया हम लोग। अच्छा, बनारस से आए हैं। आरा में घर है ना, टाउन में नहीं? आरा टाउन में, आरा टाउन में।
बोलिए क्या बात, क्या लग रहा है नगर निगम का जो चुनाव है उसका जो माहौल है कहाँ है, किसके तरफ माहौल है, क्या दो तीन नाम बताइए, दो तीन नाम बताइए, हम एक नाम नहीं बोलेंगे। दो तीन नाम नहीं बता सकते हैं, मगर ये चीज़ है कि अब जिसके तरफ जीत होगा आदमी उधर ही वोट देगा बस। और जाति धर्म होगा कि विकास पे बात होगा? विकास पे बात होगा, जाति धर्म पे तो बहुत हो गया, विकास पे होगा। विकास हो रहा है, जो विकास करवाएंगे उनको वोट दिया। मिले विकासवा के तलाश में आप लोग थे, वो विकास मिला कि नहीं अभी तक? मिला थोड़ा बहुत। पूरा खोजने का तलाश में लग गया है आपकी? पूरा एकदम खोजना है, तलाश करेंगे, एकदम तलाश करेंगे बिल्कुल। तो देखिए ये है आरा का अपडेट। कैसे देख रहे हैं, मैंने मेयर प्रत्याशी लोगों का नाम चर्चा में है कि नहीं, दो तीन नाम बताइए। खातून है कौन? आरजू खातून। आरजू खातून है। और सुशील मेयर है? सुनील मेयर है। उनकी पत्नी का क्या नाम है, वो ना लड़ेंगी? हाँ तो उन्हीं के नाम से नया थी चल रहा है। प्रियम। हाँ प्रियम, बस यही लोग है अभी नाम में जो चर्चा में है, माने प्रियम देवी और आरजू खातून, ये दो नाम चर्चा में। क्या नाम है भैया? अमरेश कुमार। कहाँ घर पड़ी? एनआईट। एनआईट में क्या माहौल भाभी? माहौल जो साफ सुथरा छवि का है उसी को ना वोट दिया जाए। दो तीन नाम बताइए जो अभी माहौल में आगे चल रहा हो। एक वो है दुर्गावती कुशवाहा। दुर्गावती कुशवाहा। हाँ हाँ, जो कुशवाहा समाज से सिर्फ एक नाम है जो दुर्गावती कुशवाहा जो चुनाव लड़ रही है इस बार। हाँ जी। और आगे बताइए। शिव कुमारी देवी है। शिव कुमारी देवी। हाँ। और एक वो है विजय चौधरी की पत्नी, नाम है उनका बटवा। कैसे मारिएगा जी, नाम है बुला जाइएगा तो। प्रियंका चौधरी। अच्छा और बताइए, ये तीन लोगों का नाम क्या? हाँ। क्या नाम है चाचा जी? वशिष्ठ नारायण। कहाँ घर है? मेरा तो घर है अज्ञान ब्लॉक में। आरा में भी होगा टाउन में? हाँ हाँ। भुजवा खिलाइएगा, भुजवा खिलाइएगा। देखिए पूजा खाते हुए पूछेंगे इनसे, चाचा जी पूजा खिला रहे हैं या बता रहे हैं? एक गो दो गो पांच गो सवाल पूछिए हमसे। चाचा जी बताएंगे कि इस बार का जो है मेयर कैंडिडेट में कौन आगे चल रही है? अब तो हमारे अथी में सरबोधा नगर में शिव कुमारी देवी, सरबोधा नगर मेरा मकान भी है, शिव कुमारी देवी को हम लोग अपना मतदान दे रहे हैं। उधर माहौल शिव कुमारी देवी का। बस बस और पूछिएगा। उपमेयर? हैं उपमेयर, उपमेयर घर शिव कुमारी देवी का नाम जानते हैं, उपमेयर का। तो देखिए शिव कुमारी देवी का नाम जो है ये जानते हैं, उसके बाद किसी का नाम नहीं जानते हैं। आइए खबर में इतना ही, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रहना सिंह, जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है नगर का विकास इस बार किसके हाथ होगी, कौन मेयर प्रत्याशी सबसे बढ़िया प्रत्याशी है आरा के लिए, आरा का विकास आखिर किस पे टिका हुआ है, आरा के लोग आखिर किसको पसंद कर रहे हैं, जरूर बता दीजिएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। हम लोग अभी बाजार समिति में थे और आरा के बाजार समिति से टटोल रहे थे मन कि आरा के लोगों का कहाँ है झुकाव, कहाँ है उनका वोट। रोशन गुप्ता जी मुस्कुराते हुए वीडियो बनाते गए और हम बनाते गए। खबर में इतना ही, वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, जय हिंद जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।